गाड़ी को भी अभी बंद करना। कोई गैराज नहीं होगा क्या? सुनसान जगह में कोई आदमी तक नहीं दिखाई दे रहा है। गैराज कहाँ से होगा? कोई आ रहा है। भाई साहब यहाँ पे कोई गैराज या रहने की जगह है क्या? गैराज तो नहीं है साहब, लेकिन वहाँ एक लॉज है, आप चाहिए जल्दी से वहाँ। चलो वहीं चलते। तुम्हें जैकेट ओढ़ लो, मैं पीछे से बैग दिखाता हूँ, ठीक है? सब लोग? मैं बैल बजा। अबे से देखकर तो लग रहा था बहुत सारे लोग होंगे, कहाँ चला गया सब लोग? पानी, खाना रखा हुआ है, सिगरेट तक जल रही है, सब लोग गायब हैं। अरे कोई है क्या? हेलो, यहाँ तो कोई नहीं है। यहाँ नहीं रुक सकते। पर क्यों? आत्मा, इस लॉज में आत्मा है। आत्मा? हाँ आत्मा, इस लॉज में एक आत्मा घूमती हुई दिखाई देती है, पानी में भीगी हुई
और लंगड़ाती हुई आ और चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, कुड़ियो तुम सब लोग, बता लूंगा सबको, मार डालूंगा सबको, मार डालूंगा। मैंने कई बार उस आत्मा की तस्वीर निकालनी चाहिए पर नाकामयाब रहा, क्योंकि आत्मा की तस्वीर खींची नहीं जा सकती। और सुनो, पहले यहाँ पर एक पेंटर आया, उसने उस आत्मा की पेंटिंग निकाली। और उस आत्मा का हम दोनों से क्या संबंध है? संबंध है, संबंध है। आओ आओ दिखाता हूँ, आओ। साबित कर देती हूँ आप लोगों को कि अभय को अगर वहाँ खड़े हो जाओ, प्लीज वहाँ खड़े। हाँ हाँ रुको, अभी साबित हो जाएगा तुम्हें कि इंसान हो, आत्मा नहीं। कैमरा गीला हो गया है इसीलिए तस्वीर नहीं आ रही है, और कोई बात नहीं है। देखिए मैडम, आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए, हम सिर्फ एक ही बात चाहते हैं कि पिछले छह साल से जिस आत्मा को हम देख रहे हैं बिल्कुल इस आदमी की तरह दिखते, बिल्कुल इस आदमी की तरह दिखते, प्लीज आप चले जाइए प्लीज। कहाँ जाए हम लोग, इतनी बारिश हो रही है बाहर, हमारी गाड़ी खराब हो गई, मुझे बुखार है, और कोई दूसरी जगह है क्या यहाँ जाने के लिए? नहीं है ना। फिर आप लोगों के अंधविश्वास की वजह से हम लोग क्यों जाए, हम लोग तो यही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। मैडम प्लीज, मैडम आप लोग यहीं पर रुकिए, यहीं रुकिए। तुम बहुत गलत कर रहे हो मैनेजर, अगर आज रात ये यहां रहा जरूर कुछ भयानक होगा। इसकी मत सुनो मैनेजर, ये पागल है। अभय, इनके पिस्टल तुम अपने पास ही रख लो, कल सुबह लौटा देंगे, पता नहीं कहीं रात को सोते वक्त गोली ना मार दे। सोना मत, आज रात सोना मत, पता नहीं कब क्या हो जाए। इन लोगों का कमरा कौन सा है? वो कमरा वही है जिसमें जिसमें इनकी तस्वीरें लगी हुई है। ये लोग कितने पागल हैं ना भाई, सोचो तो तुम्हें आत्मा समझ रहे हैं।
बातों से परेशान मत होना प्लीज। ये सब लोग अंधविश्वासी हैं, इनकी बातों में कोई मतलब नहीं है। अब है क्या बात है? हाँ, जब सब लोग मौज में आए परेशान थे, क्या बात है? कौन है मुझसे? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। स्मिता, हो सकता है कि ये लोग इतने पागल नहीं हैं जितना हम समझते हैं। हो सकता है कि यहाँ सच में कुछ हो रहा है। इन लोगों का कहना है कि पिछले 6 साल से उस आत्मा को इस लॉज में देख रहे थे। ठीक 6 साल पहले ही वो सब कुछ मेरे साथ होना शुरू हुआ था। तो जानती हो किस तरह रात को मैं डरावने सपने देखकर मैं घबरा कर उठ जाता था। तो उन डरावने सपनों का इस लॉज से क्या ताल्लुक है? तो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं डरा। उन सपनों में मैं हर बार सिर्फ एक ही चीज देखता था, ऐसी एक लॉज। बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, चीखता हुआ, डरा हुआ, चिल्लाता हुआ। यहां के लोग जिस आत्मा को देखते हैं वो बिल्कुल उसकी तरह दिखता है, बिल्कुल। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि उस पेंटर ने नींद में आकर मेरे सपनों को देखकर ये तस्वीरें बनाई। स्मिता, मैं यहां नहीं रहना चाहता हूं। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। अभय, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। इन तस्वीरों का, तुम्हारे सपनों का और इस आदमी का जिन्हें ये लोग आत्मा कह रहे हैं क्या संबंध है, मुझे पता नहीं। देखो अभय, कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी और हम यहाँ से चल जाएंगे। कौन है? अरे कोई है क्या? है? कौन हो सकता है जो मेरी बातें छुपकर सुन रहा था? गजानन? नहीं, गजानन तो लंगड़ाता है, वो इतनी तेजी से भाग भी नहीं पाएगा। कहीं वो आत्मा तो लाइटर शायद उसी का हो जो मेरी बातें छुपकर सुन रहा था, भागने में गिर गया होगा। अरे ये लाइट को क्या हो गया? क्या ये सब? क्यों मारना चाहता तू मुझे? दिमाग खराब हो गया तेरा? पागल है तू? हाँ,
मैं मारू तुझे। मार मुझे, मार मार, खून कर मेरा, खून कर, मार। इससे भी कहीं का नहीं छोड़ा है तूने मुझे। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया है? अबे मैं तो तुझे जानता तक नहीं हूं, किस बात का इल्जाम लगा रहा मुझ पे बता। कौन था? पता नहीं, भाग गया। चलो कोई बात नहीं, परेशान मत हो, सो जाओ थोड़ी देर, सुबह जाना भी हम लोगों को। यहीं से आ रही थी, कौन है? आत्मा। आत्मा ऐसी ही अचानक आती है और अचानक चली जाती है। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, यहां पर कोई आत्मा जरूर है। तुम्हारी बुखार की वजह से तो बुखार की वजह से कैसे हो सकता है? मैंने सच में देखा।
था उसे वहां पर, तुमने नहीं देखा कि कुर्सी हिल रही थी? अभी मुझे बहुत डर लग रहा है, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, वो सचमुच तुम्हारी तरह दिखता है। आप लोगों को यहाँ आए हुए थोड़ी ही देर हुई है और आप लोग उस आत्मा से डरने लग गए? जरा सोचो उन लोगों के बारे में जो लोग 6-6 साल से उस आत्मा को देख कर डर रहे हैं। क्या हुआ होगा उनका? अब पता चला आप लोगों को डर क्या होता है। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, अबे चाहे बारिश रुके या ना रुके, चलो यहाँ से प्लीज। अगर वो आत्मा मेरी तरह दिखती है तो फिर मैं उससे मिलना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं उसे, मैं पूछना चाहता हूं कि ये सब क्या है, कौन है वो क्यों मेरे सपनों में आता है, वो क्यों इस जगह पे घूमता रहता है, यहाँ के लोगों को डराता रहता है। नहीं अभय प्लीज, इन सब बातों में मत पड़ो, यहां से चलो प्लीज। चलेंगे स्मिता, सुबह होते ही चलेंगे। तुम एक काम करो, तुम थोड़ा सा आराम करो, मैं जागता हूं, मैं बाहर ही रहूंगा, तुम फिक्र मत करो, दोबारा ऐसी चीज नहीं होगी। चाय। थैंक यू। ये चाय तुम्हें पूरी रात जागने में मदद करेगी, लो। इस लॉज में आप ही एक समझदार हैं जो मेरे लिए इतनी रात तक जाग रहे हैं। पत्रकार हूं ना भाई, एक अच्छी स्टोरी के लिए एक रात तो क्या, मैं कई रातें जागने के लिए तैयार हूं, खासकर आज की रात। एक बात बताइए मुझे, ये आर्मी ऑफिसर गजानन, इसने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि मैंने इसे कहीं का नहीं छोड़ा है? उसका मतलब तुमसे नहीं है, उसका मतलब उस आत्मा से है जिसकी शक्ल तुमसे मिलती है। ऐसा क्या हुआ था? वो गजानन मुझे हमेशा मारने के लिए क्यों तैयार रहता है? कुछ साल दो साल पहले की बात है, गजानन की पोस्टिंग है ना पास वाले जंगल में हुई थी, सबको खबर थी कि जंगल में कोई आतंकवादी घुसा है, राका था उसका नाम। उस आतंकवादी को ढूंढते ढूंढते गजानन और उसके साथी इस लॉज में आ पहुंचे। होटल का चप्पा चप्पा छान मारो, एक एक कमरे की तलाश लो, राका बच के जाने न पाए। सर इस वक्त होटल में सिर्फ 6 लोग हैं और उसमें से कोई भी आतंकवादी नहीं है सर। कौन है? तुम सब खूनी हो, मैं सबको मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा मैं। मैनेजर तुम से झूठ बोला। राका सर, सर गाड़ी में भेजो, इसीलिए वो मुझे मारना चाहता है। वो तुम्हें नहीं, उस आत्मा को मारना चाहता है।
ये गजानन है ना गजानन। आर्मी के बाद यही इसी लॉज में आकर रहने लगा। धीरे धीरे लोगों को भी पता चल गया कि उसकी टांग के साथ साथ उसके दिमाग पर भी चोट लगी है। जब भी वो उस आत्मा को देखता ना, उसे मारने के लिए दौड़ता, उस पर गोली चलाता था वो। मगर आत्मा का कोई कैसे मार सकता? यही तो, ये बात तो उस गजानन के समझ में नहीं आती ना। मुझे आत्मा समझकर अगर वो मुझ पे हमला करता है तो मेरी तो जान जा सकती, और मैं वो आत्मा नहीं हूं। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो क्या रहा है ये सब? ये किसकी आत्मा है और इसकी शक्ल मुझसे इतनी क्यों मिलती है? क्यों पता नहीं, सचमुच पता नहीं, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। इस दुनिया में या उस दुनिया में, हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। लेकिन तुम छोड़ दो ना, तुम थोड़ी देर के लिए आराम करो। मैं हूं ना, मैं क्यों, मैं जाग रहा हूं। तू थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठकर सो जाओ, कल सुबह तुम्हें वापस जाना है ना, सो जाओ। वो आत्मा आएगी ना तो मैं तुम्हें जगाऊंगा। छुआ भी? तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं मुझे? अरे कैसे जगा था? तूने जगा था तो आत्मा चली जाती ना। बताए, मैंने सब कुछ इस कैमरे में रिकॉर्ड किया है। वो आत्मा इस कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई होगी, पर उस आत्मा के हाथ के निशान तुम्हारी कमीज पर अपने आप आते हुए जरूर रिकॉर्ड हुए होंगे। मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मेरा लाइटर कहाँ है? लाइटर? ये तो मेरा लाइटर है। मेरे पास कौन सा है? सुबह
बता तू मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहा था? इसे हटाओ, इसे हटा दो ना प्लीज। मुझे लगता है कि तू उस आत्मा के बारे में बहुत कुछ जानता है, तो तू बोल कौन है वो आत्मा और उसकी शक्ल मुझसे क्यों मिलती है, तू बता मुझे। बताता हूँ, बताता हूँ। इंसान दो चीजों से बना होता है, एक शरीर और दूसरी आत्मा। हाँ तो तुमने शायद पढ़ा होगा या सुना होगा, इंसान की आत्मा उसके शरीर के बाहर चली जाती है। इसमें पढ़ने सुनने की क्या बात है, मरने के बाद इंसान की आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती है। मैं मरने के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिंदा इंसान की बात कर रहा हूँ। क्या मतलब? तुम सपने देखते हो? देखते हो? तुम 6 साल से अपने आप को सपने में इसी लोज में देख रहे हो। हाँ, हाँ। इसलिए मेरा मानना यह है कि तुम जब अपने कमरे में सोते सोते अपने आप को इसी लॉज में देखते हो, तब सचमुच तुम्हारी आत्मा यहीं पर होती है। जब तुम अपने आप को सपने में इसी लॉज में देखते हो, तब तुम्हें कोई मारने आता है, तुम दर्द से चिल्लाते हो, और इस लॉज के लोग जब भागते भागते आते हैं, तब तुम्हारी आत्मा को देखते हैं, और जब तुम जागते हो तब तुम्हारी आत्मा गायब हो जाती है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारी बीवी स्मिता ने भी तुम्हारी आत्मा को देखा था। उस वक्त तुम सो रहे थे, जैसे ही तुम जागे तुम्हारी आत्मा गायब हो गई, और तुम्हारे सपने भी तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ इस लॉज में कुछ होने वाला है। तुम कहना क्या चाहते हो? आज रात को इस लॉज में तुम्हारी मौत होगी। मेरी थियरी कामयाब होगी। ऐसी सनसनी स्टोरी का सालों से इंतजार है मुझे। तुम कब आओगे, तुम्हारी मौत कब होगी, कैसे होगी, ये सब लिखना चाहता हूँ मैं। जरा सोचो ये स्टोरी कैसे इंटरेस्टिंग बनेगी, पता है? मेरे पास फोटोग्राफ भी हैं, मैगजीन वाले, अखबार वाले, यहाँ तक कि फिल्म वाले भी इस स्टोरी के पीछे भागेंगे। और तू ये चाहता है कि मैं मर जाऊँ? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैं सोचता था कि तू मेरी मदद करना चाहता है। हाँ, पर नहीं, तू मेरी मौत से पैसे कमाना चाहता है। नहीं, नहीं, है ना? नहीं। साले, मैं भी देखता हूँ कि तेरी कहानी कैसे छपती। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मैं तो मेरा काम कर रहा था। अब तुझे काम करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। Ah!
काट दो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मारेगा, नहीं छोड़ेगा तुझे, मैं तुझे पकड़ कर नहीं छोड़ूंगा तुझे। मैं वो आत्मा भीगी हुई, लंगड़ाती हुई, तेरी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, मैं अपना बदला लूंगा। हाँ नहीं मैं आत्मा नहीं हूं, मैं तुझे कोई बचा नहीं, पागल हो तुम सब लोग, सब लोग पागल हो, तुम्हें दिखाई देता क्या? मैं आत्मा नहीं हूं, एक चिंता आदमी हूं मैं, एक एक को पा डालूंगा, तुम सबके सब, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा, मैं सबको खून कर दूंगा, मैं सबका, सबको मार डालूंगा। पागल हो गया, बार बार यही बोले जा रहे जैसा मैंने सोचा था। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।